गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। चलो कंटिन्यू करें। हेलो सर। हाँ बच्चे बोलो। सर मैंने क्वेश्चन भेजा है आप। क्या ये निम्न सारणी प्रकाश अभिक्रिया में प्रकाशिक अभिक्रिया के मध्य अंतरों को सारांशित कर दिए वाला? हाँ यस सर। देखो, जैव संश्लेषी प्रवस्था जिसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, को हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। पहला वाला गलत हो गया, पहला गलत है। दूसरा, ये अभिक्रिया थैलेकॉइड में संपन्न होती है, प्रकाश अभिक्रिया थैलेकॉइड में होती है, ये वाला सही है। और अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है, ये सही है ना। पहला रॉन्ग है, दूसरा करेक्ट। तीसरा है, ये स्वांगीकृत शक्ति जैसे एनएडी पीएच2 एवं एटीपी को निर्मित करती है, प्रकाश अभिक्रिया के लिए सही बात है। और अंधकार अभिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया में ये खर्च होती है, भी सही है। तो थर्ड जो है वो भी सही है। और फोर्थ है, ये प्रकाश पर सीधे आश्रित होती है, प्रकाश अभिक्रिया डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट होगी। और अप्रकाशीय अभिक्रिया ये प्रकाश अभिक्रिया के दौरान संश्लेषित उत्पादों पर निर्भर होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीन स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला जो है वो रॉन्ग है। गुड आंसर आफ्टरनून सर। आंसर इसमें लेकिन कौन डी सा? दिया है सर। इसमें इसमें बी वाला आंसर कर दो फिर। आंसर लेकिन डी दिया है इसमें। हाँ केवल वन? तो फिर गलत पूछा होगा इसमें, सही पूछा क्वेश्चन में सर। मिस्टेक है। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, रॉन्ग पूछेगा तो फर्स्ट आंसर, ठीक है। यस सर। सर, कौन सी प्रक्रिया को आप जैव संश्लेषित प्रक्रिया बोले? डार्क रिएक्शन को, बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, उसके अंदर सिंथेसिस हो रहा है ना ग्लूकोज का। सर, इसमें तो ऐसा लिखा है कि जैव संश्लेषित अवस्था को अप्रकाश की अभिक्रिया कहना मिथ्या है फिर। हाँ यस सर। क्या लिखा हुआ है? वो तो मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में समझा दिया था ना, जो भी लिखा हुआ है। मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में क्या बताया था? मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में पॉज हुआ क्या? हाँ पॉज हो गया। मैंने तुम्हें क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? मैंने तुम्हें बताया था कि इनडायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है,
नहीं बताया था क्या? हाँ सर, ये तो पता, मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो डार्क रिएक्शन में काम आते हैं। मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा था, याद करो, मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा था कि अंधकार अभिक्रिया कब होती है, दिन में होती है कि रात में होती है? सर दिन में। दिन में होती है, तब फिर मैंने तुम्हें अंधकार अभिक्रिया नाम देना सही है कि गलत है? गलत है। तो वही तो लिखा हुआ है, बोला है जो तुम मुझे बोल रहे हो, समझ गए क्या? यस। C4 साइकिल जो कल हमने पढ़ा था उसके लिए एनर्जी कैलकुलेशन थी। C4 पाथवे के लिए एनर्जी कैलकुलेशन देख रहे हैं, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ था। देखो एक तो C4 पाथवे चला और C3 साइकिल तो चलता ही है, चलता है कि नहीं? तो यदि एक ग्लूकोज बनाना है, 4-1 ग्लूकोज सिंथेसिस, एक ग्लूकोज का निर्माण करना है तो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा? जब हम प्रोसेस देख रहे थे, जो रिएक्शन कल हमने C4 पाथवे का अलग से पढ़ा था, यहाँ पर ऑक्सलोएस्टिक एसिड था, वहां से सॉरी यहाँ पे फॉस्फोनोल पाइरुवेट था, वहां से ऑक्सलोएस्टिक एसिड बना, फिर मैलिक एसिड, फिर मैलिक एसिड बंडल शीट में गया, वहां पर मैलिक एसिड से पाइरुविक एसिड बना, फिर पाइरुविक एसिड इधर आया और फॉस्फोनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ। तो उस पूरी रिएक्शन में यहाँ पर NADH2 कंज्यूम हो गया था और एक जगह पे प्रोड्यूस भी हो गया था, तो वो बराबर हो गए थे। लेकिन डाइकाइनेज एंजाइम के थ्रू जब पाइरुविक एसिड से फॉस्फोनोल पाइरुवेट बन रहा था तो वहां पर ATP कंज्यूम हुआ था। ATP किस में कन्वर्ट हुआ था? AMP में। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, यहां पर 6 ATP से 6 ADP की AMP ये एक्स्ट्रा हुआ था, मतलब एक्स्ट्रा कंज्यूम्ड। जो केल्विन साइकिल में हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा कंज्यूम हुआ किसके अंदर? C4 पाथवे के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं बोल सकता हूँ ये तो 12 ATP, ये 6 ATP नहीं है बल्कि कितना, 2 फॉस्फेट टूट रहा है, देख रहे हो ATP से AMP बन रहे थे, 2 फॉस्फेट टूट रहे, तो डबल के बराबर काउंट करते हैं। यहां बोलते हैं हम 12 ATP एक्स्ट्रा कंज्यूम्ड। जब C4 पाथवे चल रहा है तो 6 CO2 के लिए या 1 ग्लूकोज के लिए हम क्या देखते हैं, 12 ATP एक्स्ट्रा खर्च हुआ। तो टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है बोलो, कितना हुआ है? 12 तो ये हो गया प्लस 54 केल्विन में का C3 साइकिल में कंज्यूम होता है, 54 ATP इन C3 साइकिल, टोटल 66, टोटल कितना हो जाएगा 66। तो उसमें पूछे कि C4 पाथवे के थ्रू, C4 साइकिल के थ्रू यदि एक ग्लूकोज बनाना है तो टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम होगा बोलो ना? 66। ये समझ गए सब बच्चे? अब चलो नेक्स्ट पाथवे देखते हैं। अब नेक्स्ट पाथवे देखते हैं हम, CAM पाथवे। CAM को बोलते हैं हम क्रेस्टियोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म।
सीएम पाथवे। जैसे सी फोर पाथवे के लिए देखा था कि जीरो फाइटिक प्लांट में होता है, वैसे सीएम पाथवे जो है ये भी जीरो फाइटिक प्लांट में होता है। और ये जो जीरो फाइटिक प्लांट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम सकुलेंट जीरो फाइटिक प्लांट, सकुलेंट जीरो फाइटिक प्लांट्स। इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कैम पाथवे चलता है। सकुलेंट जीरो फाइटिक प्लांट कौन से, जिनके अंदर ना तुम देखते हो म्यूसिलेज स्टोर होता हो। एग्जांपल कोई बता सकता है क्या? क्या क्या पाइनएप्पल? यस ब्रायोफाइलम, यूफोबिया, यूफोरबिया, यूफोरबिया दोनों में आते हैं, सी फोर में भी आते हैं कुछ यूफोरबिया, यूफोरबिया पाइनएप्पल, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम हो गया, कैलेंचॉय, एगो, अगेव, एलोवेरा, वेलविस्टिया, यस। देखो क्या खास बात देख रहे हो कि ये ऐसे जीरो फाइटिक प्लांट है जिनके अंदर म्यूसिलेज स्टोर होता है और इनके अंदर स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्या होता है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा? सर ये ना रात को एक्टिव होते हैं, मतलब स्टोमेटा ओपन्स इन नाइट। यस बिल्कुल सही बात है कि रात को स्टोमेटा ओपन होते हैं। रात को स्टोमेटा ओपन होगा तो उससे क्या होगा? देखो जब स्टोमेटा ओपन होगा तभी तो इसके अंदर गैस आएगी। जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस करना है तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए। दिन के टाइम पे क्या है, दिन के टाइम पे स्टोमेटा बंद है तो CO2 कैसे आएगी बताओ? बड़ा मुश्किल हो गया था। और रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होगा, CO2 अंदर आएगी तो रात को लाइट ही नहीं है कि फोटोसिंथेसिस कर पाए, तो इनके पास एक बड़ा दिक्कत है कि जब लाइट होती है तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। जब दिन में गैसेस एक्सचेंज हो सकता है तो उस टाइम पे स्टोमेटा, मतलब जिस दिन में लाइट होती है फोटोसिंथेसिस हो सकता है तो उस टाइम पे स्टोमेटा क्लोज है। तो ऐसे प्लांट होते हैं कौन से, कैम प्लांट, सकुलेंट जीरोफाइटिक प्लांट्स। क्या इतनी बात समझ आई? तो इन्होंने क्या तरीका निकाला, इन्होंने तरीका निकाला कि रात होगी ना तो रात को ही ये CO2 को फिक्स कर लेंगे। इनके अंदर क्रेंज एनाटॉमी होती है क्या? सीएम प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी होती है क्या? नो सर। क्रेंज एनाटॉमी जो है ना वो इन प्लांट्स में नहीं होगी, ध्यान। इनके अंदर तो एक ही मेसोफिल सेल होगा, उसी के अंदर सारा फंक्शन चल रहा हो, है ना। क्रेंज एनाटॉमी जैसा इनके अंदर नहीं होता है। तो सेमी सेल्स होती है जिसके पास एंजाइम होते हैं, कौन से, पेप्टेज एंजाइम और रुबिस्को एंजाइम, ठीक है। तो कैसे होता है देखो, अब जैसे मान लो हम बात कर लेते हैं, तो मान लो बात करते हैं कि रात में जब स्टोमेटा खुलता है, इस तरफ नाइट लिख लिया, रात के टाइम पे जब हम देखते हैं कि स्टोमेटा खुलता है उस टाइम पे CO2 जो है उसकी एंट्री हो सकती है, तो ये क्या करेगा, रात को उस CO2 को फिक्स करेगा। कैसे फिक्स करेगा? कि इसकी मेसोफिल सेल जो है उसके अंदर है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है क्या कर सकता है, वो CO2 को फिक्स कर सकता है। CO2 H2O से रिएक्ट करेगा, बाइकार्बोनेट वगैरह बनाएगा, जाकर के रिएक्ट कर जाएगा किससे, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। क्या बनेगा प्रोडक्ट? OAA।
कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा इसको? पेप्टीज एंजाइम। यस, पेप्टीज ऑक्सोनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब ऑक्सलोएस्टिक एसिड लेस स्टेबल होता है, इसलिए क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक मोर स्टेबल कंपाउंड के अंदर, जिसको तुम बोलते हो क्या, मैलिक एसिड। ठीक है, यहां पर इस रिएक्शन में NADPH जो है वो खर्च होता है। ठीक है, अब क्या होता है, यानी ये वाली प्रोसेस जो चल रही है कब चल रही है, रात में। क्यों? क्योंकि रात के अंदर स्टोमेटा जो है वो क्या है, ओपन की क्लोज, ओपन ओपन ओपन